हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा रहा था आप लोगों को, और ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का थर्ड वीडियो है। एक ही वीडियो में बहुत सारा पढ़ाने के दिमाग में कचरा भरने से अच्छा है छोटे छोटे वीडियोस देखो और फटाफट छोटी छोटी चीज़ें समझने की कोशिश करो, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैक्सिमम क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन से आते हैं। इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। चलो, तो ये थर्ड वीडियो है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में कि किस तरीके से आप हाइड्रोकार्बन से आपके अल्काइल हैलाइड का या आपके हेलो अल्केन हेलो एरीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसी सीरीज में हाइड्रोकार्बन से ही डी यानी फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है, दैट इज फ्रॉम अल्कीन्स। आप अल्कीन्स से भी आपके अल्काइल हैलाइड्स का या आपके अराइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं सिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अल्कीन से जो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखाऊंगा, दैट इज अल्कीन्स व्हेन रिएक्ट्स विथ, ठीक है, विथ एच एक्स, यानी कि जब आपका हेलो एसिड के साथ अल्कीन रिएक्ट करेगा तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा सीखते हैं। देखो बेटा, ये मैंने माना कि ये मेरा क्या है, एक अल्कीन है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो मैं अल्कीन ले रहा हूं वो किस टाइप का ले रहा हूं, एक सिमेट्रिकल अल्कीन ले रहा हूं। सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब समझे, सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब कि जो डबल बॉन्ड है इसके लेफ्ट साइड और डबल बॉन्ड के राइट साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स हो। तो यहां पर आप देखिए, इस डबल बॉन्ड के इधर भी दो कार्बन है, इस डबल बॉन्ड के इधर भी दो, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, इस डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन है, इस डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। समझ में आ रही बात आपको। तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ जब कभी भी आपका एच एक्स रिएक्ट करेगा तो देखो बेटा क्या होगा। अब क्योंकि सिमेट्रिकल है तो कोई चिंता नहीं, हेलोजन का जहां मन करेगा वो उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, और उसके बाद जो बचा हुआ हाइड्रोजन है उस पे जाकर, जो एच एक्स में से जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो जाकर उस बचे हुए कार्बन पे जाकर अटैक करेगा। और इस तरीके से आपको देखिए क्या मिलेगा, कार्बन यहां पर जुड़ गया आपका हेलोजन सिंगल बॉन्ड, और यहां पर जुड़ गया आपका हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपको आपका अल्काइल हैलाइड देखने को मिलेगा। यू विल गेट योर अल्काइल हैलाइड। क्या ये वाली केमिकल रिएक्शंस क्लियर है? बड़ी इजी केमिकल रिएक्शन है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो जब कभी भी अल्कीन के साथ एच एक्स रिएक्ट करेगा तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स वाले केस में, सिमेट्रिकल अल्कीन्स वाले केस में एच एक्स में से हेलोजन की जहां इच्छा होगी वो वहां जाकर अटैक करेगा और वहां पर जाकर वो अटैच हो जाएगा। लेकिन बेटा मान लो अगर आपके पास में, इफ इन एनी केस यू हैव हेलोजन, आपके पास हेलोजन होगा लेकिन आपके पास में एक ऐसा अल्कीन होगा जो कि अनसिमेट्रिकल होगा। Now the alkene here is unsymmetrical. You are observing that कि double bond के यहां पर तो एक ही carbon है लेकिन double bond के इस तरफ तो दो carbons हैं। आ रही आप लोगों को बात समझ बेटा? तो इस वाले केस में याद कीजिए, आप लोगों ने क्लास 11th में एक रूल पढ़ा है, that is called as Markovnikov रूल। बेटा मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है ध्यान से समझना। मार्कोनिकोव रूल कहता है कि इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर हेलोजन विल गो एंड अटैक द कार्बन विद लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जब कभी भी आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो एच एक्स में से जो आपका हेलोजन है वो जाकर अटैक करेगा उस कार्बन पर जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होंगे।
तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम किस में है, ये वाले कार्बन पे, इसको नहीं गिनना है, ये तो सैचुरेटेड है, इसको टच नहीं करना है, हमको किसको देखना है, ये कार्बन को और ये कार्बन को जिसके बीच में डबल बॉन्ड है। इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो आपका हेलोजन जाकर उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होंगे, और फिर ये हाइड्रोजन जाकर उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास ज्यादा कार्बन होंगे। सो व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल स्टेट्स दैट हेलोजन विल गो एंड अटैक द कार्बन विथ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उस पर जाकर अटैक करेगा। और यहां वाले केस में ये वाला आपका कार्बन जाएगा हेलोजन के साथ और हेलोजन इस पर अटैक करेगा और अब आपको कंपाउंड के साथ देखने को मिलेगा CH3CH और यहां पर जुड़ जाएगा आपका हेलोजन और ये बन जाएगा CH3, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि इस केमिकल रिएक्शन में सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट थोड़ी बहुत क्वांटिटी में 10-12% वो भी देखने को मिलेगा जो आप पहले सोच रहे थे कि शायद हाइड्रोजन यहां अटैक करेगा और हेलोजन यहां अटैक करेगा, तो ये वाला कंपाउंड भी बनेगा, बट ये कैसा बनेगा, इट विल बी फॉर्म्ड इन माइनर क्वांटिटी। ठीक है, तो मार्कोनिकोव रूल ने क्या सिखाया हमें, मार्कोनिकोव रूल ने हमें ये सिखाया है कि जब कभी भी कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो हेलोजन जाकर उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होंगे। अच्छा, ये मार्कोनिकोव रूल यहाँ पर HX के साथ नहीं, ये हर केस में फॉलो होगा, जहाँ जहाँ अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा और इस तरीके का HX, HOH है ना, या अपना NH3, ऐसा जब भी कोई केस होगा ये मार्कोनिकोव रूल इस तरीके से काम करेगा। क्या यहाँ पर हमें यह बात समझ में आ रही है, इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट? बेटा एक बात समझना, ये मार्कोनिकोव रूल का जो मैकेनिज्म होता है ये क्लास 11th में बड़े अच्छे से समझाया जाता है, तो एक काम करता हूँ मैं आप लोगों को भी इसका मैकेनिज्म समझाई देता हूँ। देखो, क्योंकि मैकेनिज्म के बिना क्या चीज़ हो नहीं पाएगी, और अगर मैकेनिज्म आपको आ गया तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैकेनिज्म सीख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और वो सारे स्टूडेंट्स जिनका क्लास 11th में किसी कारण की वजह से हो सकता है कि ये चीज़ उन्होंने ना पढ़ी हो, तो उनको भी मैं यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। सो मैं थोड़ा सा जगह बनाऊँगा बेटा, है ना, अब मैं बिल्कुल जगह बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मैकेनिज्म बनाना है, तो मैं सब मिटाने वाला हूँ और जगह बना के आप लोगों को लिखने वाला हूँ। देखिए क्या होगा, ये आपके पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन के पास कौन आएगा सबसे पहले, HX, ठीक है, HX का सबसे पहले यहां पर होगा ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन होने के बाद सबसे पहले ये हाइड्रोजन जाकर दो चीजें करेगा, वो बोलेगा या तो मैं इस कार्बन से जुड़ूं, या तो वो बोलेगा कि मैं इस कार्बन से जुड़ूं, तो ये आपका केस नंबर 1 हो जाएगा, ये आपका केस नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस होगा, फर्स्ट केस में आपको हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी के बाद ये कंपाउंड कैसा दिखेगा, देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ गया पहले केस में। अब यहां पर कार्बन के चार बॉन्ड, यहां पर कार्बन के चार बॉन्ड, लेकिन इस बेचारे कार्बन के पास 1, 2 और 3 बॉन्ड रह गए, तो इस पर आ गया एक प्लस चार्ज। सेकेंड केस देखा, देख कैसा दिखेगा, CH3 इस कार्बन से जुड़ गया आपका हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CHH और यहां पर आ जाएगा एक प्लस चार्ज। तो हाइड्रोजन के जुड़ने पर पहले केस में बीच वाले कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा और दूसरे केस में ये वाले कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। अब एक इमेजिन करते हैं छोटा सा केस, एक बाइक है, बाइक पे आगे अंकल बैठे हुए जो बाइक चला रहे हैं, अंकल के बीच में, अंकल के पीछे एक उनका छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, लेट्स इमेजिन वो नर्सरी क्लास का बच्चा है, तो अंकल के पीछे नर्सरी क्लास का बच्चा
और उनके पीछे उनकी वाइफ बैठी हुई है, या उनके पीछे कोई एक बड़ा सा अंकल और बैठा हुआ है, तो दो अंकल हैं, उनके बीच में एक छोटा सा बच्चा है। ये केस मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है। कैसे? देखो, यहां पर ये वाला जो कार्बन है, ये पहले अंकल और ये वाला कार्बन दूसरे अंकल, इन दोनों कार्बनों ने इस बेचारे छोटे से प्लस चार्ज वाले कैटायन को बीच में पकड़ के संभाल के रखा हुआ है। तो क्या ये बच्चा गाड़ी पे से गिरेगा? नहीं, क्योंकि इन दो अंकलों ने इस बच्चे को बीच में पकड़ के रखा हुआ है। तो दिस कार्बो कैटायन विल बी स्टेबल। अब इस केस को देखो, अब ये केस आप खुद ही समझ गए होंगे कि अब क्या है। यहां पर एक बड़े से अंकल बैठे हुए हैं जो बाइक चला रहे हैं, उनके पीछे एक और अंकल बैठ गए, और ये बेचारे छोटे से नर्सरी क्लास वाले बच्चे को जिसपे प्लस चार्ज है उसको सबसे पीछे बैठा दिया। अब अंकल अगर गाड़ी तेज चलाएंगे तो हो सकता है कि ये बच्चा टपक जाए पीछे का पीछे, तो इस वजह से इट विल बिकम अनस्टेबल। और बेटा अगर कोई चीज़ अनस्टेबल होती है तो वो बनते ही टूट जाएगी, बनते ही टूट जाएगी, बनते ही टूट जाएगी। तो इन्वायरमेंट में, इस केमिकल रिएक्शन में, इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा कौन देखने को मिलेगा? ये वाला कंपाउंड। तो अब ये जो हेलोजन यहाँ पर बच गया था, अब ये जो हेलोजन एक्स नेगेटिव चार्ज लेकर यहाँ जो बच गया था वो कहाँ कहाँ जाएगा? वो दो चीज़ें करेगा, वो जाकर पहले इस कैटायन पर अटैक करेगा, या वो जाकर इस कैटायन पर अटैक करेगा। बेटा दोनों केसेस में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी यही होगी, सबसे ज़्यादा बार यही दिख रहा होगा स्टेबल वाला, और ये अनस्टेबल वाला तो दिखता ही नहीं होगा, छोटे मोटे दिखते होंगे। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो ये वाला देखने को मिलेगा, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। और ये वाला जो कंपाउंड होगा वो आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला कैटायन ही अनस्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, दैट विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। तो दैट इज योर मार्कोनिकोव रूल, और यही मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म भी है। अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये गलती कभी नहीं करें कि अल्कीन के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हो एच एक्स की, तो हमेशा ध्यान रखें बीच में हेलोजन लगाएं, मतलब उस कार्बन पर हेलोजन लगाएं जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम हो। तो अगर मैकेनिज्म से याद रखना हो तो मैकेनिज्म से याद रखें, डेफिनेशन से याद रखना हो तो डेफिनेशन से याद रखें। याद आपको रखना है, ठीक है? यहाँ तक बात मुझे क्या लगता है ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है? नाउ हम लोग पढ़ रहे थे, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो एक बार वापस से मैं हाइड्रोकार्बन लिख देता हूँ, और अब हाइड्रोकार्बन्स में से मैंने आप लोगों को डी वाली मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखा रहा था जो हमारी थी, दैट इज़ फ्रॉम अल्कीन्स। तो मैं वापस से अल्कीन्स भी लिख देता हूँ, और अब मैं अल्कीन्स में जो आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखाऊंगा, पहले सिखाई थी एच एक्स के साथ, अब सिखाऊंगा विथ डाई हेलोजन्स, विथ डाई हेलोजन्स। डाई हेलोजन्स का मतलब है एक्स टू। अब यहाँ पर किसका रिएक्शन देख रहे हैं? एक्स टू के साथ। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में अगेन एक अल्कीन है, और इसकी रिएक्शन मैं कर रहा हूँ किसके साथ? एक्स टू के साथ, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा, एक्स टू के साथ जो मैं रिएक्शन करूँगा, इसमें बेटा मुझे एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ठीक है? CCl4 की प्रेजेंस में, इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब मैं एक्स टू के साथ रिएक्शन करूँगा, तो अब क्या बोलूँ इसमें, एक हेलोजन इधर और एक हेलोजन जाकर इधर अटैक कर रहेगा, ठीक है? बेटा अल्कीन वाले केस में ध्यान रखना, अल्कीन वाले केस में कोई भी कार्बन अपना हाइड्रोजन नहीं छोड़ेगा, अल्केन्स में छोड़ सकता है जहां पर तीन हाइड्रोजन हो, लेकिन जब इस कार्बन के पास खुद के पास कमी है तो वह हाइड्रोजन कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि दोनों हेलोजन एक एक कार्बन को पकड़ के उसके साथ रिएक्शन कर डालेंगे। तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक हेलोजन इधर जुड़ गया, एक हेलोजन इधर जुड़ गया। अच्छा, इस तरीके के कंपाउंड्स में जिसमें दोनों एडजेसेंट कार्बन पर, आसपास वाले कार्बन पर सेम हेलोजन जुड़ जाए या सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं विसिनाइल। दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज विसिनाइल कंपाउंड्स, और क्योंकि दोनों हेलोजन जुड़े हैं इसलिए विसिनाइल डाई हेलाइड बोला जाएगा इस चीज को। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज विसिनाइल डाई हेलाइड। तो यहाँ पर बेटा अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होती है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और अब इसी वीडियो के अंदर द लास्ट केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को समझाने वाला हूँ,
इस रिएक्शन को देख लो, कुछ भी नहीं है, बड़ी इजी सी रिएक्शन है ना। विसिनाइल कंपाउंड बनेगा, विसिनाइल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे, अगर एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन जुड़ जाते हैं तो उसको जेमाइनल बोलते हैं, याद रखना, मैंने नोमेनक्लेचर में सिखाया है, चाहे तो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, कोई डाउट। चलो तो ये हो गया आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मैंने हाइड्रोकार्बन आपको बहुत सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखा दी, एंड नाउ द लास्ट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेलोजन एक्सचेंज मेथड। सो द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज द हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है बेटा। हेलोजन एक्सचेंज मेथड देखिए इसके अंदर क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज मेथड की खासियत क्या है, इसकी शुरुआत ही अल्काइल हैलाइड से करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको मैं दो नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा, पहली नेम रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकल स्टीन रिएक्शन। सो द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होता है RX, यहाँ पर X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा सोडियम आयोडाइड के साथ। आई विल मेक श्योर कि यहाँ पर मेरी केमिकल रिएक्शन क्या हो, आयोडीन के साथ, ठीक है, NaI के साथ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लोरीन या ब्रोमीन यहाँ पर हो सकता है। फ्लोरीन होगा क्या? फ्लोरीन नहीं होगा, फ्लोरीन छोड़ेगा ही नहीं, अगर अल्काइल हैलाइड के साथ फ्लोरीन होगा तो छोड़ के बाहर ही नहीं जाएगा। अच्छा आयोडीन होगा क्या, आयोडीन क्यों होगा, आयोडीन तो तुम लगा रहे हो तो आयोडीन क्यों होगा, तो या तो आप RCl लोगे या तो RBr लोगे। इनकी रिएक्शन जब आप आपस में कराओगे व्हेन दीज रिएक्ट टुगेदर, यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज देखने को मिलेगा, NaX के साथ जुड़कर NaX बन के बाहर हो जाएगा और RI के साथ जुड़कर आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा। सो सच केमिकल रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकलस्टीन केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को फिंकलस्टीन केमिकल रिएक्शन बोला जाता है, कोई डाउट किसी तरीके का, ठीक है। तो ये आपकी एक नेम रिएक्शन हो गई फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे, इतनी देर से सोच रहे होंगे, तीन वीडियो से सोच रहे होंगे, पता नहीं कब से सोच रहे होंगे कि यार अल्काइल हैलाइड बनाते वक्त सर ने क्लोरीन लगाया, ब्रोमीन लगाया, आयोडीन भी लगाया, पर फ्लोरीन कैसे लगाएंगे, फ्लोरीन कब लगाएंगे, फ्लोरीन कैसे लगाएंगे। तो फ्लोरीन लगाने के लिए भी हमारे पास एक रिएक्शन होती है जो कि एक और नेम रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ मेटल फ्लोराइड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक इसमें आपको AgF का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, यहां पर आपको Hg2F2 का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, इस तरीके के आप बहुत सारे यहां पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहां पर COF2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोबाल्ट फ्लोराइड का, क्यों करते हैं, हेलोजन एक्सचेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में यहाँ पर RX है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा X क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और इवन आयोडीन, जब आप इसकी रिएक्शन AgF के साथ कराओगे तो बेटा यहाँ पर अगेन हेलोजन एक्सचेंज होगा और अब यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज होकर RF बन जाएगा, दैट इज योर अल्काइल फ्लोराइड, यहाँ पर आपको मिलेगा नाउ फाइनली योर अल्काइल फ्लोराइड, और ये AgX जो होगा ये केमिकल रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। तो बेटा इन कुछ इंपॉर्टेंट मेटल फ्लोराइड्स के साथ, किसी भी अगर आप आपके एक मेटल फ्लोराइड के साथ, इफ विथ योर मेटल फ्लोराइड अगर आप आपके अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हो तो इस रिएक्शन को स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन में AgF, Hg2F2 और CuF2 का इस्तेमाल करते हैं, हेलोजन एक्सचेंज होंगे एंड यू विल गेट योर अल्काइल फ्लोराइड। और इसी के साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस खत्म होती है, कोई डाउट मुझे नहीं लगता बचा होगा। अगर कोई डाउट बेटा आपको बचता है, अगर कोई डाउट आपको ऐसा लगता है कि नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ इसी वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, हम जवाब देंगे। और
मेथड ऑफ प्रिपरेशन को बिल्कुल हल्के में मत लेना, सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जो आगे कन्वर्जन रिएक्शंस होती है ना कन्वर्ट करने वाली, उसमें इसका बहुत यूज़ है। अब आप लोग मेरी एक बात मानेंगे, आप लोग मेरी लिए एक काम करेंगे, अब आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोलकर जो भी एग्जाम्पल्स और जो भी इंडेक्स क्वेश्चन दिए हुए होंगे, अब आप इतना पढ़ने के बाद बेटा उसको प्लीज सॉल्व करो, क्योंकि एनसीईआरटी या सीबीएसई स्टूडेंट्स इस बात को देखें समझें और प्रीवियस ईयर से कुछ एक्सपीरियंस लें कि इंडेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर आप किसी और बोर्ड को भी बिलोंग करते हो तो बेटा एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी की अगर आप बुक फॉलो कर रहे हो तो बीच में से क्वेश्चन 100% आते हैं, और अगर किसी और बोर्ड को बिलोंग करते हो तो बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको ध्यान से देखें और पिछले साल के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। होपफुली वीडियो समझ में आया होगा। जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं पहली बार मेरा वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलो और प्ले लिस्ट पर जाकर चेक करो कि मैंने कौन कौन से वीडियोज़ बना रखे हैं, ठीक है। अब अगले वीडियोज़ में मिलेंगे जिसमें हम कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना, ठीक है। बाय बाय।